द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जरा अपने स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए, गांधी प्रतिमा के सामने नमन करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देंगे। यह तस्वीर जापान के हिरोशिमा की है। G7 समिट में बतौर अतिथि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने पहुंचे थे और वहां उन्होंने गांधी प्रतिमा का अनावरण किया था। ये वहीं की तस्वीर है। हमने आपको यह तस्वीर इसलिए भी दिखाई है क्योंकि अब आप सीधे जापान से उठकर आइए भारत, और भारत में नए संसद के उद्घाटन को लेकर बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष जहां इस उद्घाटन कार्यक्रम का बॉयकॉट कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा और मोदी सरकार आमदा है कि किसी न किसी सूरत में हमें इस नए संसद का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही कराना है। और इसके लिए तारीख जो चुनी गई है वो 28 मई की सावरकर साहब की जयंती के दिन, और यहीं से सारा बखेड़ा भी खड़ा होता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा साधने के लिए क्या अब सावरकर के नीतियों पर चलेगी। ये सवाल उठने लगे क्योंकि वीडी सावरकर को लेकर हमारे देश भारत में ही विवाद हैं, और उनके जन्मतिथि को इस तरीके से सेलिब्रेट करना कि नए संसद का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारे देश में गांधी की विचारधारा चलती है, गांधी जी से ही भारत की पहचान दुनिया भर में होती है, लेकिन इस वक्त भारत में वीडी सावरकर को लेकर खूब गहमा गहमी की स्थिति है। भाजपा इन्हें अपना रोल मॉडल मानती है, प्रधानमंत्री मोदी हो या अलग अलग संघ से जुड़े जितने भी लोग हैं, हर कोई सावरकर की विचारधारा को फॉलो करना चाहता है। लेकिन क्या सावरकर की नीत देश की नीत हो सकती है, इसको लेकर बहस जारी है। 28 मई वीर सावरकर की जयंती, लेकिन दूसरी तरफ 27 मई का जो दिन है वो जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि का दिन है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू और गांधी ने हमारे देश के लिए क्या नहीं किया है। अगर सावरकर के सामने इन दोनों को खड़े कर दें तो सावरकर काफी छोटे नजर आएंगे, क्योंकि गांधी से ही हमारे देश की पहचान है और नेहरू जी की नीति ने देश को बहुत आगे लाकर खड़ा कर दिया। जिस नेहरू को पानी पी पी कर यह मोदी सरकार कोसती है, इसके अलावा पूरी भाजपा नेहरू को लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक अलग ही नैरेटिव गढ़ने में जुट गई है, वैसे परिदृश्य में अब सावरकर को आगे खड़ा कर देना और नए संसद भवन के उद्घाटन से उन्हें कनेक्ट कर देने को लेकर बवाल छिड़ गया है। इस मामले में महात्मा गांधी के पोते ने बहुत ही दिलचस्प बातें कही। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, बीबीसी ने इस मामले में जानकारी दी है। बीबीसी ने भी लिखा है कि रविवार 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संस्कार भी इसी दिन हुआ था। सावरकर को लेकर जिस तरह के विवाद रहे हैं उनके चलते इस बात की कड़ी आलोचना की जा रही है कि केंद्र सरकार ने उनके जन्मदिवस को नई संसद का उद्घाटन करने के लिए चुना है। सावरकर की आलोचना क्यों होती है, क्योंकि इसके पीछे की वजह भी बहुत ही गंभीर है, क्योंकि सावरकर पर गांधी के हत्या के भी संगीन आरोप लगे थे। देखिए जरा इसमें जानकारी बीबीसी ने क्या दी है। सावरकर की आलोचना उन माफीनामों के लिए तो की ही जाती है जो उन्होंने अंडमान की सेल्यूलर जेल में बतौर कैदी ब्रिटानिया सरकार को लिखे, लेकिन साथ साथ बहुत से इतिहासकार और लेखकों का मानना है कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में सावरकर की भूमिका को लेकर लगा सवालिया निशान कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब इस मामले पर आते हैं महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी के ट्वीट पर। उन्होंने जो टिप्पणी की है कि कैसे सावरकर को गांधी से बड़ा दिखाने की कोशिश इस देश में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी गांधी जी की चर्चा विदेशों में खूब करते हैं, प्रतिमा का अनावरण खूब करते हैं और गांधी की विचारधारा से ओतप्रोत होने का दावा भी विदेशों में ही करते हैं, लेकिन जैसे ही भारत में बीजेपी और मोदी जी की बात होती है ये सब बिना सावरकर का नाम लिए कोई काम नहीं करते हैं। इस वजह से देखिए आपने स्क्रीन पर क्या कहा है महात्मा गांधी के पोते ने कि नए संसद भवन के उद्घाटन की खबर आने के बाद महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी ने ट्वीट कर कहा,
प्रधानमंत्री 28 मई को वीडी सावरकर की जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उन्हें भवन का नाम सावरकर सदन और सेंट्रल हॉल का नाम माफी कक्ष रखना चाहिए। तो देखा आपने, महात्मा गांधी के पोते ने कितनी गंभीर टिप्पणी की है और बता दिया है कि नए संसद भवन के आड़ में जिस तरीके से मोदी सरकार सावरकर की नीति को देश में लागू करना चाहती है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यह देश महात्मा गांधी के लिए जाना जाता है। गांधी जी ने इस देश के लिए जो किया उस वजह से गांधी जी ही हमारे विचारधारा में शामिल होंगे। जितने भी गांधीवादी लोग हैं उन्हें कतई रास नहीं आएंगी ये चीजें। लेकिन यह कोशिश आज से नहीं हो रही है कि इस संसद में सावरकर की नीति को लागू कर दिया जाए, इसकी शुरुआत काफी पहले से हो चुकी है। आपको याद होगा वीडी सावरकर के महिमा मंडन के लिए कैसे अंतिम जन जो गांधी जी की मैगजीन है उस पर उनके कवर फोटो को छाप दिया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि गांधी और सावरकर बराबर हैं। लेकिन गांधी की विचारधारा और सावरकर की विचारधारा दोनों दो ध्रुव की तरह दिखाई पड़ते हैं और ऐसे में इनके मैगजीन पर, गांधी जी के मैगजीन पर सावरकर का कवर फोटो छपना भी उस वक्त विवाद का कारण बना था, जमकर इस पर बवाल भी हुआ था। लेकिन मोदी सरकार यह ठान चुकी है कि गांधी जी को दरकिनार कर यहां सिर्फ और सिर्फ सावरकर की ही बात की जाएगी। इस पर लोग टिप्पणी करना शुरू कर चुके हैं। इस मामले में संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं उन्होंने भी कड़ी टिप्पणी की है। बोलता है, हिंदुस्तान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पुराना संसद भवन ऐतिहासिक है और इस संसद भवन से आरएसएस बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं है, संजय राउत ने कहा। उन्होंने यहां तक कहा है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम लिखवाने के लिए यह संसद भवन बनवाया गया है ताकि मोदी जी याद किए जाएंगे कि नए संसद भवन का निर्माण और उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कराया था और वहां शिलापट पे नाम छपेगा। इस वजह से मोदी सरकार ने कैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक को इस उद्घाटन कार्यक्रम में निमंत्रण भी नहीं दिया, कार्ड भी नहीं भेजा। इस वजह से उद्धव ठाकरे ने पूछ दिया, आडवाणी जी को बुलाया है या उन्हें गेट पर रोक दिया है। तमाम ऐसी टिप्पणी भी खूब होने लगी है। वहीं जो सेंगोल को लेकर के विवाद शुरू हुआ है उस पर भी अखिलेश यादव की एक टिप्पणी ने मोदी सरकार को मिर्ची लगा दी है। उनका ट्वीट क्या है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। सेंगोल की तस्वीर को साझा करते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने का प्रतीक है। लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। वैसे अगर सेंगोल के इतिहास की बात करें तो इसे अब राजदंड का नाम दिया जाता है, लेकिन सेंगोल वाकई में सत्ता हस्तांतरण का ही प्रतीक है। चोल वंश में इसकी खूब चर्चा होती थी। जब सत्ता ट्रांसफर हो जाती थी तो उस वक्त पुजारियों के आशीर्वाद के तौर पर ही इस सेंगोल का हस्तांतरण होता था और बाद में जवाहरलाल नेहरू को तमिलनाडु के लोगों ने यह सौंपा और फिर वहीं से इसे अब अमित शाह चाहते हैं कि इस पवित्र चीज को पार्लियामेंट में रखी जाए। लेकिन इस पर भी अब विवाद शुरू हो चुका है। लेकिन उन सबसे इतर बड़ा मुद्दा यह है कि गांधी के नक्शे कदम पर चलने वाला हमारा देश क्या अब वीर सावरकर के नक्शे कदम पर चलेगा, इसको लेकर भी बहस छिड़ गई है। 20 विपक्षी पार्टियां इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही हैं। दूसरी तरफ सावरकर की जयंती की तारीख चुन लेने को लेकर भी देश में महाबहस छिड़ी हुई है। लेकिन मोदी सरकार अब जो मन में सोच चुकी है, जो ठान चुकी है, उससे पीछे हटने का कोई विचार बना नहीं रही है। इसी वजह से विपक्ष के बहिष्कार का भी उन पर फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि विपक्ष के बहिष्कार का मतलब है कि दोनों सदनों को मिलाकर कम से कम 230 सांसदों का वहां मौजूद नहीं होना, जनता के उन प्रतिनिधि का अगर वहां प्रेजेंस नहीं होगा तो इसका मैसेज देश भर में क्या जाएगा, तय कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The Life TV, सच सबसे आगे।